नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को परीक्षा से पूर्व परीक्षा क्रमांक यानी रोल नंबर आवंटित किए जाते हैं और ये रोल नंबर शाला दर्पण पर भी आवंटित किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको शाला दर्पण पर विद्यालय के स्टूडेंट्स को रोल नंबर आवंटित करने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। स्कूल के स्टूडेंट्स को रोल नंबर अलॉट करने के लिए आपको स्कूल के शाला दर्पण आईडी और पासवर्ड की मदद से शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करना है और इसके बाद यहाँ स्टूडेंट टैब पर आना है और यहाँ रोल नंबर अलॉटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ सेशन सेलेक्ट करना है, तो वर्तमान में 2019-20 चल रहा है। और इसके बाद क्लास सेलेक्ट करनी है जिस क्लास के स्टूडेंट्स को आपको रोल नंबर आवंटित करने हैं, तो आप 1 by 1 करके सभी क्लास के स्टूडेंट्स को रोल नंबर आवंटित करेंगे। तो मैं यहाँ क्लास 10 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब सेक्शन सेलेक्ट करना है, जो जितने सेक्शन हो उनमें से जो सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल हो या जिस सेक्शन के बच्चों का रोल नंबर आप अलॉट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लें। शो पर क्लिक करें। शो पर क्लिक करते ही आपके सामने क्लास के सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है। यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ एसआर नंबर है जो अलॉट किया गया है, यहाँ स्टूडेंट का नाम है, यहाँ फादर्स या गार्जियन नेम है, यहाँ उसका जेंडर है और यहाँ डीओबी है और स्कूल एग्जाम रोल नंबर है और यहाँ बोर्ड एग्जाम रोल नंबर है। तो साथियों आपको बता दूं, इंटरनल एग्जामिनेशन वाले क्लास में आपको ये बोर्ड एग्जाम रोल नंबर नहीं भरने होंगे, केवल स्कूल एग्जाम रोल नंबर भरने हैं। अभी कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के रोल नंबर आए नहीं है, इसलिए हम ये नए भर के केवल ये वाला पोर्शन भरेंगे। तो यहाँ स्कूल एग्जाम रोल नंबर में आपने जो स्कूल के अनुसार रोल नंबर आवंटन करने की जो प्रक्रिया अपना रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको रोल नंबर डालने स्टूडेंट को। ज़्यादातर स्कूलों में क्लास वाइज रोल नंबर होते हैं, जैसे क्लास के बाद में 01, 02 करके। तो यहाँ जैसे 10वीं क्लास का हम कर रहे हैं तो हमारे स्कूल में 10-01 यानी 1001 करके रोल नंबर आवंटित किए जाएंगे, इसी क्रम में ये रोल नंबर दिए जाएंगे। तो आप इस तरह करके सभी विद्यार्थियों को रोल नंबर आवंटित कर दें और रोल नंबर आवंटित करने के बाद इस प्रकार कक्षा के सभी विद्यार्थियों के रोल नंबर अलॉट करने के बाद में अंत में आकर यहाँ अपडेट बटन पर क्लिक कर दें। अपडेट बटन पर क्लिक करते ही आपके विद्यार्थियों के रोल नंबर यहाँ पर सेव हो जाते हैं। इसके बाद वापस आए और यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देगा, स्टूडेंट्स रोल नंबर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार आप प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को रोल नंबर अलॉट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।